पूरे छत्तीसगढ़ में यादव समाज का कोई सांसद या विधायक नहीं है, निर्मला यादव। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई में महापौर की जिम्मेदारी संभाल चुकी निर्मला यादव अब एक विधायक के रूप में स्थानीय जनता की सेवा करने का मन बना रही हैं। वो अपने किए गए कार्यों की बदौलत वैशाली नगर विधानसभा से टिकट की इच्छुक हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में यादव समाज का ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद। ऐसी स्थिति में यादव समाज अपनी गुहार लेकर किसके पास जाए? निर्मला जी काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही हैं, महिला होने के नाते वो सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करती हैं कि सभी पार्टियाँ टिकट बांटते समय महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर ज़रूर ध्यान देंगी। मैं निर्मला यादव और पूर्व महापौर भिलाई से हूँ और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है, हमारे समाज के लिए, कि हम OBC से आते हैं, पिछड़े से, और उसके बाद में आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में ना ही हमारे कोई सांसद हैं आज की डेट में, ना ही कोई विधायक है कि जिनके पास जा कर के हम अपनी बातों को रख सकें या अपने समाज की जो पीड़ा है उसको हम रख सकें। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यादव लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए, कोई भी पार्टी हो। मैं तो कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि, और मैं खुद महापौर रह चुकी हूँ पूर्व में, तो इस बार मैं विधानसभा वैशाली नगर से मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे टिकट मिले, क्योंकि मैं एक जीती हुई महापौर हूँ और महिला हूँ। 33% आरक्षण कहते हैं और उसको बढ़ाया भी गया है, तो उसका लाभ मुझे मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, और भी जगह पे मिलना चाहिए। जब सांसद का चुनाव होता है विधानसभा, तो देखना चाहिए कि यादव सीटें कितनी, क्योंकि सभी को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।